ये वाला जो अडैप्टर कूलर है जिसका अपन सर्विसिंग करने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये जो खस का तीनों पैड होता है उसको सबसे पहले तो हम यहाँ से साइड कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको आसानी से निकाल जाता है, ऊपर धक्का दोगे उसके बाद फिर नीचे को साइड से खींच लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको पानी सप्लाई करने के लिए दो दो मोटर का यूज़ हुआ है और फैन भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे इसको जो है इस मोटर को कूलर को छत के ऊपर लगाया जाता है। अब यहाँ पे खस का जो जाली होता है उसको अपन बाहर निकालेंगे, जो जिसमें अपन छत मतलब खस को जो है बांध के रखते हैं ना, ताकि इधर उधर ना हो, उसको निकाल लेना है। जाली को निकालने के बाद फिर ये जो खस वगैरह उसको भी आप अच्छी तरीके से निकाल लेना, जैसे कभी सूर्य में देख सकते हो। अब यहाँ पे जो पानी वाला टैंक होता है, पानी के अंदर में मतलब टैंक के अंदर में भी आप एक साल में इतना तो सारा धूल धक्कड़ जम नहीं है, तो काफ़ी मामूली बात है। अब यहाँ पे जो पुराना खस को निकाले थे है ना, पुराना खस को निकाले थे उसी पैड में अब अपन नया खस लगाएंगे। और ये वाला जो पूरा सेट है मतलब तीन पैड, तो तीनों पैड के लिए 3 किलो जो है खस ने हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से फिक्स आया है। इसको हमने ज़्यादा मोटा भी नहीं किया है, ना तो ज़्यादा पतला भी नहीं किया है ना। अब इसको जैसे ही हमने निकाला था वैसे ही फिर से लगा देंगे है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे अब देख सकते हो हमने इसको जो है 14 नंबर की जाली होता है, मतलब जी आई जो वायर होता है, जी आई वायर स्टील वायर, उसको हमने यहाँ से बांधे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप रस्सी की मदद से भी बांध सकते हो, मैंने कईयों कूलर में जो है बांधा है। उसी तरीके से हम यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा कम्प्लीट कर चुके हैं। अब इसको जो है थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, कुछ और काम कर लेंगे। अब इसको अपन जैसे निकाल, से पहले आपको एक और काम चेक करना है। तो यहाँ पे मोटर को चेक करना है कि वो अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं, पानी वाले पंप को चेक करना है अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे उन सारी काम को देखने के बाद फिर यहाँ पे अपना पूरा जो काम कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैं जो है वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम भी दिया रहता है।